हम जब नए ड्राइवर होते हैं तो हमें नहीं पता होता गियर कैसे चेंज करें। हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमें क्या क्या गलतियां करते हैं तो हमें समझ में नहीं आती। हमारा गियर बॉक्स कैसे जल्दी खराब होता है तो हमें वो जानकारी नहीं होती है जब हम नए ड्राइवर होते हैं तब। हेलो भाई और बहनों, मैं पीके ड्राइवर आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। जैसे कि हम नए ड्राइवर भाई जब गाड़ी चलाना सीख जाते हैं या नए बिगनर होते हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो हम ये 5 मिस्टेक करते हैं जिसके कारण हमारी गाड़ी का गियरबॉक्स जल्दी खराब होता है, तो वो कैसे आपको सही से यूज करना है। क्योंकि जब गाइस हम शुरू में ये गलतियां करते रहते हैं तो लास्ट तक जब हम गाड़ी चलाना सीख भी जाते हैं तो वो गलतियां हम करते ही रहते हैं। तो गाइस आप लोगों को मैं कैसे सही से यूज करना गियर का है और कैसे आपको ये 5 मिस्टेक सही करनी है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करो, पूरी वीडियो जरूर देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जैसे कि गाइस सपोज कर लीजिए कि जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हम जब गाड़ी उठाते हैं तो नए ड्राइवर हो या पुराने हो जाते हैं या मान लीजिए कि जो गाड़ी चला लेते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं गाइस कि ये फर्स्ट गियर में ना उठा के गाड़ी सेकंड गियर में उठाते हैं। ये गाइस बहुत ज़्यादा गलत है, इससे गाड़ी का जो क्लच प्लेटें होते हैं वो जल्दी खराब होती हैं और आपको गाड़ी का फ्यूल जो है वो आपका खराब वेस्ट जाता है। और इससे गाइस क्या होता है कि गियर बॉक्स के दांतों के जो गियर बॉक्स में जो दांत होते हैं तो उन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, वो जल्दी कटने के चांस रहते हैं। तो इसको सुधारने का तरीका गाइस, जब भी आप गाड़ी को चलाएं तो आपको फर्स्ट गियर में ही चलाना चाहिए, तो पहली मिस्टेक ये ना करें। दूसरी मिस्टेक गाइस जो लोग ये करते हैं कि मान लीजिए कि स्पीड आपकी है यहाँ पे 20 की, ठीक है, अब स्पीड 20 की है और मैं क्या करता हूँ कि थर्ड गियर में गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। अब गाड़ी की स्पीड मान लीजिए 40 को 35 के बीच में है, मैंने चौथा गियर डाल दिया, इससे गाइस क्या होता है कि आपकी गाड़ी का जो पूरा बैकअप है वो नहीं मिल पाता है। इसके कारण आपकी गाड़ी जो है ज़्यादा वाइब्रेट करती है, ज़्यादा फ्यूल खाती है और क्लच पे ज़्यादा लोड पड़ता है और इन गियर बॉक्स पे भी ज़्यादा लोड पड़ता है, इससे गियर कटने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसके कारण आपको इस तरीके से गलती ना करें, स्पीड के हिसाब से अपनी गाड़ी को जब भी चलाएं तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से गाड़ी को चलाएं। तो दूसरी मिस्टेक आप इस तरीके से करते हैं तो इसको सुधारने का तरीका ये है कि जब भी आप गाड़ी बढ़ाएं फर्स्ट गियर में, आपकी गाड़ी की स्पीड लमसम 10 हो गई है सेकेंड, आपकी गाड़ी की स्पीड 20 से 22 हो गई है या 25 हो गई है थर्ड, इसी तरीके से आप अपनी स्पीड के हिसाब से गाड़ी को चलाएं और स्पीड के हिसाब से अपने गियर को चेंज करें, तो दूसरी मिस्टेक इस तरीके से सुधारें। तीसरी मिस्टेक क्या लोग करते हैं कि सपोज कर लीजिए कहीं पे ये रोड पे चल रहे हैं या सिंगल रोड पे चल रहे हैं, जैसे कि सिंगल रोड है यहाँ पे आप देख रहे हैं, और वो जो कि गाड़ी या क्या करते हैं नए ड्राइवर जो होते हैं तो कभी क्या करते हैं कि सेकंड गियर में चला रहे हैं, कभी 20 की स्पीड चला रहे हैं, कभी 30 की स्पीड चला रहे हैं, कभी थर्ड गियर में चला रहे हैं, कभी 40-50 की स्पीड चला रहे हैं। कहने का मतलब ये गाइस कि ये उनको ये नहीं पता है कि हमें किस स्पीड में कितनी गाड़ी को भगानी चाहिए, कौन सा गियर कब लगाना चाहिए, बार बार क्लच को यूज करना चाहिए नहीं यूज करना चाहिए, ब्रेक का यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे क्या फायदा क्या नुकसान होता है, और गियर को हमें बार बार डाउन या गियर चेंज करना चाहिए नहीं चेंज करना। देखिए गाइस आपको ये तीसरी मिस्टेक इस तरीके से नहीं करनी है, जब आप अपनी गाड़ी को चलाएं तो गियर के हिसाब से और स्पीड के हिसाब से आप अपनी गाड़ी को चलाएं और बार बार क्लच का यूज ना करें, इससे गाइस आपका क्लच ज्यादा यूज होगा तो क्लच प्लेटें जल्दी खराब होगी, गियर बॉक्स आपका ज्यादा यूज करोगे तो गियर बॉक्स जल्दी खराब होगा और लेफ्ट राइट या आप गाड़ी उल्टी सीधी भगाते हो तो एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। इस तरीके से गलती ना करें, जब भी आप गाड़ी को सिंगल रोड पे चलाएं या हाईवे रोड पे चलाएं तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से अपने गियर को चेंज करें और सही से अपनी गाड़ी का क्लच कम से कम यूज करें, जिससे कि आपकी गाड़ी की लाइफ ज्यादा से ज्यादा गाड़ी की लाइफ बनी रहे और आप इस तरीके से तीसरी गलती ना करें और तीसरी गलती को इस तरीके से सुधारें। चौथी गलती गाइस क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि हम जब गाड़ी को हाईवे पे चला रहे होते हैं, जैसे नए बिगनर होते हैं या गाड़ी हम चला लेते हैं या पुराने भी हो गए हैं, तो हमारे मन में गाइस क्या होता है कि जब हम शुरू से जैसे गाड़ी चलाते हैं उसी तरीके से हम अपनी गाड़ी को चलाते रहते हैं, हमारी हैबिट पड़ जाती है। वहां पे हम गाइस क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम फिफ्थ गियर में जा रहे हैं और अपने क्या किया कि गियर पे हाथ रखे हुए हैं इस तरीके से, तो गाइस इस तरीके से आपको गियर पे हाथ नहीं रखना है। इससे क्या होता है गाइस, गियर बॉक्स में जो व्हील होता है या नीचे पे बूस होते हैं वो जल्दी कटने के चांस रहते हैं। तो इससे गाइस आपको इस तरीके से ये मिस्टेक नहीं करनी है, जब आप अपनी गाड़ी का गियर चेंज करें उसके बाद गियर चेंज कर दिए अपना हाथ हटा लें, उस
इस तरीके से आप गियर हाथ पे चेंज करें, हाथ हटा लें। ये गलती ना करें कि गियर चेंज किए हाथ रखे हुए हैं, गियर चेंज किए हाथ रखें, ये गलती ना करें। आप जब भी गियर को चेंज करें हाथ हटा लें, गियर को फ्री रखें, स्टेरिंग पकड़ लें, ठीक है। तो ये चौथी मिस्टेक को इस तरीके से सुधार सकते हो आप। पांचवी और बहुत अहम, ज़्यादा जानकारी दाई जो गाइस हम लोग गलती करते हैं, चाहे वो नेट बिगिनर हो, चाहे नए ड्राइवर हो, चाहे पुराने ड्राइवर हो, और चाहे जो भी हो, अधिकांश देखा मैंने लेडीज लोगों को ये गलतियां करती हैं। तो प्लीज़ इस तरीके से गलती ना करें। क्या है वो पांचवी मिस्टेक? देखिए गाइस, जब भी गाड़ी को हम लोग मोड़ते हैं, लेफ्ट मोड़ना हो या राइट मोड़ना हो, तो हम ना तो इंडिकेटर देते हैं, ना तो हम हॉर्न बजाते हैं, और ना तो हम बैक में अपने पीछे वाले आरपीएम में देखते हैं कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, ना तो हम लेफ्ट वाले मिरर में देखते हैं, ना तो राइट वाले मिरर में देखते हैं। जिस तरफ से हमारी मर्जी आई उस तरह हम गाड़ी को मोड़ दिए। इससे गाइस आपका दो तरीके से नुकसान हो सकता है कि पहली चीज, आप जब गाड़ी मोड़ रहे हैं तो कोई सपोज करिए कि आपकी गाड़ी के पीछे लेफ्ट साइड से आ रहा है कोई, और लेफ्ट साइड आपने गाड़ी मोड़ दी है, तो आपकी गाड़ी में वो हिट कर जाएगा, आपका एक्सीडेंट होना 100% क्लियर है। या राइट साइड आपने गाड़ी मोड़ दी है तो राइट साइड से कोई आ रहा है, आपने पीछे नहीं देखा है, तो आपने इंडिकेटर नहीं दिया, तो पीछे वाला व्यक्ति नहीं जान पाया और आपकी गाड़ी में लड़ जाता है। तो इस तरीके से आप ये पहली गलती कर जाते हो। और दूसरी गलती का क्या करते हो कि आप जब गाड़ी मोड़ते हो तो मोड़ते समय आप हॉर्न नहीं बजाते हो। उस सिचुएशन में सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है, और सपोज कर लीजिए जब गाड़ी आपके सामने आ जाती है, अंधा मोड़ है, तो आपकी गाड़ी में आमने सामने लड़ जाते हो, तो उस सिचुएशन में आपकी गाड़ी को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से ना करें। अधिकांश मैंने लेडीजो लोगों को देखा है जो कि ये गलतियां करते हैं। तो आप लोग इस तरीके से पांचवी गलती को ना करें। जब भी गाड़ी को लेफ्ट साइड मोड़ना है तो लेफ्ट साइड वाले अपने मिरर में देख लें, और राइट साइड मोड़ना है राइट साइड अपने मिरर में देख लें, और जब गाड़ी आप मोड़े लेफ्ट साइड राइट साइड तो आप हॉर्न देख के गाड़ी को मोड़े, और गाइस अपने आरपीएम में देखते रहे पीछे कोई गाड़ी आ रही नहीं आ रही, उसी सिचुएशन से अपनी गाड़ी को मोड़े। तो गाइस इस तरीके से आपको पांचों मिस्टेक इस तरीके से सही कर सकते हो जो कि आपको मैंने इस वीडियो के मद से बताया। तरीके से आप अपनी पांचों गलतियों को सुधार सकते हो गाइस। जैसे कि मान लीजिए कि छोटे बच्चों को जब हम स्कूल भेजते हैं तो वो छोटे शुरू से लेके ए बी सी डी, या मान लीजिए कि ए बी सी डी से लेके बहुत ज्यादा वो जब तक पढ़ाई करता है तब तक वो सीखता ही रहता है। उसी तरीके से जब हम गाड़ी सीखते हैं तो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप सीखते रहते हैं। जैसे कि हम जब गलतियां करते रहेंगे वैसे ही हम गलतियां शुरू से लेके आखिरी तक करते रहेंगे। तो गाइस आप प्लीज इस तरीके से गलती ना करें। जब भी गाड़ी चलाएं तो एक सुरक्षित तरीके से चलाएं और आसानी से चलाएं, नियमों का पालन जरूर करें, और गाड़ी को अपने बहुत ही आराम से चलाएं, जल्दबाजी ना करें। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार से कोई सुझाव या जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक लोगों के बाय, जय हिंद।